Unstable patient, कौन से like mentally unstable हो? Hemodynamically unstable. Number one, those who are hemodynamically unstable. Organ failure. What is a ventilator? I mean, क्यों लगाते हैं? Ventilator देते हैं। Organ failure, respiratory drive खत्म हो गया। ऑर्गन सपोर्ट विच कैन बी ओनली प्रोवाइडेड इन द क्रिटिकल यूनिट दे आर क्रिटिकली इल पेशेंट सो How do we know that patient is having organ failure? कैसे पता चलेगा? Parameter, urine output. Very good. हमारे पास ना हर organ की window है. GCS देखते हैं तो brain dysfunction पता चलता है. Saturation देखते हैं तो blood pressure, heart rate देखते हैं तो heart rate dysfunction पता चलता है. Creatinine urine output देखते हैं तो renal function. Liver के लिए bilirubin, INR देख लेते हैं. सिमिलरली ब्लड के लिए प्लेटलेट देख लेते हैं हीमोग्लोबिन सो दीज आर द विंडोज जिसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है सोफा स्कोरिंग होती है पाची स्कोरिंग होती है जिससे हमें पता चलता है सो क्रिटिकली इल पेशेंट की न्यूट्रिशन में हमारे पास जो क्वेश्चन होते हैं व्हाट आर द क्लिनिकल क्वेश्चन वी नीड टू एड्रेस व्हाई टू फीड अ पेशेंट हु इज एट द रिस्क ऑफ डेथ बच्चे का नहीं बचेगा तो खिलाएं क्यों भाई और असेस कैसे करें किसको कितना खिलाना है किसको आज खिलाना है किसके लिए हफ्ता इंतजार कर सकते हैं सो हाउ टू असेस द न्यूट्रिशनल स्टेटस देन कितने दिन में देना है एक दिन में शुरू करानी है दो दिन में शुरू करानी है हफ्ते में शुरू करानी है ये सारे जगह है जो कुछ सुलझ गए हैं कुछ अभी रहते हैं विद्यालय स्टडी अच्छी होनी चाहिए हम ज्यादा खिलाएंगे ज्यादा बढ़ेंगे बट हमें ये पता लगाना है डू इंटेंसिटी नीड टू एक्ट लाइक अ मामी कि वो पूरा खिलाए या उसको थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच इख्तियार करनी है थोड़ा कम खिलाए और वेट करें देन इज द इंटरनल पैरेंटल ये पिछले चार पांच डिकेड का झगड़ा है एंड सो फार वी नो इंटरनल इज बेटर बट वी विल डिस्कस कि अभी लेटेस्ट डेटा क्या है एंड मोस्ट द पेशेंट इन द आईसीयू आर नॉट एपिनेफ्रीन व्हेन पेशेंट इज नॉट एपिनेफ्रीन इफ यू कैन सी देयर अगर कभी एग्जामिन करने का मौका मिला हो कभी पेरिफ्रीन के देखे हैं पेरिफेरियल कोल्ड क्लेमी दैट मींस देयर आर पूर परफ्यूजन इन द लिम्ब सो व्हाट अबाउट द गट यार गट में भी परफ्यूजन होगी कि नहीं होगी सो हमें उन्हें खिलाना है या नहीं खिलाना है खिलाना है तो कितना खिलाना है किन मरीजों को दोज हु आर इन शॉक ठीक है एंड इतने सारे फॉर्मूले हैं जो आज सेमिनार वो कह रहे हैं स्पॉन्सर कह रहे हैं वो कह रहे हैं हमारे फॉर्मूला लिखे हैं दूसरे वाले कह रहे हैं हमारे फॉर्मूला लिखे हैं तीसरे कहते हैं तीसरा सो कौन सा फॉर्मूला बेस्ट है जो हमें अपने मरीजों को देना चाहिए एंड व्हाट अबाउट डिफरेंट सिचुएशन Is the nutrition and septic shock different from the ARDS and the burn and the traumatic brain injuries and the other patient like acute pancreatitis are all they are same? सबको एक ही जैसा खिलाना है. And last, वो कौन से मरीज हैं जिनको हम खिला पिला के मार देते हैं? So those who are at the risk of refeeding, you know the risk, the mortality of refeeding even nowadays, अगर हो गया तो it's up to 90%. So the only way to avoid is to identify those patients who are at the risk of refeeding because it needs very meticulous approach. So सबसे पहले सवाल की तरफ जाते हैं why nutrition in ICU? This is a very good picture but with a lot of information. तो इसको एक मिनट के अंदर स्कैन करना is not as easy. So something we know already. Why nutrition is necessary for everyone to supply us with the micronutrient, macronutrient, energies to give us the immunity to make our muscle build blah 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 ये सारी चीजें ये सारी यहाँ लिखी हैं but is important in ICU उसको मैंने थोड़ा सा अलग किया है ये बड़ी अच्छी स्टडी थी जो स्टीफन और उसके कॉलीग्स ने की थी एंड
It is important for the intravitreal drug. Why? In critical ill patient, there is poor perfusion of the gut mucosa. So we have bugs there which are friendly to us, but kab tak? Jab tak sher chidiya ghar ke andar hai, tab tak acha lagta hai, khula hua acha nahi lagta. So jab tak wo bacteria gut ke lumen mein hai, jab tak wo friendly hai, but jab mucosa break hoga, wo bacteria aayenge blood stream mein, we call it translocation. And that is a very valid tool for all kind of hospital acquired infections. कहने जा रहा कि हमारे हाथों से लगता है, हमारे बालों से लगता है, बट द स्ट्रॉन्गेस्ट थ्योरी इज कि नहीं, मरीज का अपना ही बग होता है जो ब्लड से आता है. सो ट्रांसलोकेशन नोसोकोमियल इन्फेक्शन एंड इम्यूनिटी. सो दीज आर द फोर फाइव इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हिच आर मेंटेन्ड विद आवर न्यूट्रिशन. एंड समहाउ अभी हम कोई वन टू वन प्रूव नहीं कर सकते हैं, बट इट्स स्टिल डेटा सपोर्टिंग दैट विद द इंटरनल न्यूट्रिशन और पैरेंटरल न्यूट्रिशन देयर इज ट्रेंड टुवर्ड द मॉर्टेलिटी बेनिफिट. इसलिए मैंने इस पर क्वेश्चन मार्क लगाया. तो ये सीधा-सीधा बातें थी. विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. हाउ टू असेस द न्यूट्रिशनल स्टेटस. ये बहुत सिंपल सी बात है. द बेसिक एंड फार मोस्ट इंपॉर्टेंट वे इज टू हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन. हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन हम हर मरीज का करते हैं एंड इट गिव यू अ क्लू अबाउट द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द पेशेंट. But in critically ill patient, because they are already in a catabolic state, this cannot give you the accurate information. And we need accurate information in critically ill patient because they are at the risk of death. Nutrix score. There are different scoring system which help us to screen the patient for the risk of the malnutrition and the nutritional risk in the ICU, like Nutrix score and NRSP. These are the very well validated score by the study. Their screening tool, we can use them and we use them easily. The gold standard is indirect calorimetry. What is indirect calorimetry? It is the method by which we calculate the individualized resting energy expenditure of any person by measuring the oxygen and carbon dioxide amount in the inhaled and exhaled air. It measures, there's a complex formula, but it's a software for it. So, it's not widely available, but it is the gold standard. So, hum kaun sa use karte hain? Nutrix score. Hum history and physical examination karte hain, Nutrix score istamal karte hain, aur jahan indirect calorimetry hoti hai, ICU mein, wahan indirect calorimetry karenge. Indirect calorimetry, kyun in hai aajkal? Why it's so people crazy about it? The latest study proved that those patients who are provided nutrition based on the indirect calorimetry, there was less risk of death. So in a critically ill patient, if something has mortality benefit, तो वो hit हो जाती है. For example, बहुत अहम बात है, बहुत ज़माने से पता है. 2010 में एक article आया कि जिन septic shock के मरीजों को हम dopamine और norepinephrine देते हैं, जिनको norepinephrine दी जाती है, they survive more. और अब 10 साल के अंदर आप देखें, septic shock में अगर कोई dopamine चला ले तो बहुत हकारत के लिहाज से देखा जाता है. Why is giving dopamine in the septic shock? Unless you are working in an area where norepinephrine is not available. जैसे कोविड में तो उन्होंने कहा जो अवेलेबल है दे दिए. So, ये भी उसी तरह की बात है कि indirect calorimetry is providing the evidence that patients behave better on indirect calorimetry, क्योंकि वो कहते हैं two less and two more is dangerous. तो हम तो कैसे करेंगे, या तो टू लेस देंगे या टू मोर देंगे. इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री जरा अच्छा रहेगी, लेकिन स्टिल देयर आर सर्टेन एरियाज की कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है. अगर वेंटी बहुत ज्यादा पैरामीटर है तो कैलकुलेट नहीं कर सकते. सिमिलरली अगर एक्मो है या रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी है तो उसको एडजस्ट करना पड़ता है. देयर आर सो मेनी व्हाई एंड व्हेन, बट स्टिल हमें पता होना चाहिए कि इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री इज द फ्यूचर ऑफ न्यूट्रिशन. Nutrix score कैसे निकालना है? बहुत सिंपल, छह पैरामीटर होते हैं. एज देखनी होती है, अपाची टू सोफा, हर मरीज का आईसीयू एडमिशन पे कैलकुलेट होता है. कोमॉर्बिडिटीज कितने हैं, नंबर ऑफ डेज इन द हॉस्पिटल आउटसाइड आईसीयू. इसका मतलब जो फ्लोर पे रह रहा है वो ऑलरेडी कैटाबॉलिक होता है, उससे रिस्क ज्यादा हो. एंड लास्ट IL-6. IL-6 अगर अवेलेबल ना हो तो फिर इसे क्या कहते हैं, मॉडिफाइड Nutrix score कहते हैं. Those patients who have a Nutrix score of more than 6 or a modified Nutrix score of more than 5, they are at a higher risk of nutritional compromise. So they should be given the nutritional therapy. Yeah, jise aap kehte hain nutritional therapy in ICU.
These are the patients who will benefit most from your nutritional therapy. It is an excellent screening tool. Admission pe hi ho jata. Early versus late. Early versus late mein, there was an approach ke let the patient stabilize first. Ab usme 2 din lagte hain, 4 din lagte hain, 6 din lagte hain, and then start the nutrition. So a group of colleagues did the study on this. They 36 sample size tha patient ka. इन्होंने एक ग्रुप को विद इन 24 आवर खिलाया, दूसरे ग्रुप को 4 डेज बाद खिलाया. सो व्हाट दे फाउंड कि जो डिलेड अप्रोच थी दैट वाज एसोसिएटेड विद मोर डेज ऑन द मैकेनिकल वेंटिलेटर एंड इंक्रीज लेंथ ऑफ स्टे. देयर वाज नो डिफरेंस इन मॉर्टेलिटी, बट दीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट पैरामीटर. मरीज आईसीयू में ज्यादा दिन रहेगा, वेंट पे ज्यादा दिन रहेगा अगर हम ज्यादा देर से खाना पीना शुरू करेंगे उसका, अपना नहीं उसका. सो क्या रिकमेंडेशन है? अर्ली. कितना अर्ली? वो कहते हैं कि स्टार्ट विद इन 24 टू 48 आवर ऑफ आईसीयू एडमिशन इफ नो कॉन्ट्रा इंडिकेशन. कॉन्ट्रा इंडिकेशन आपको आईसीयू टीम बताएगी, आईसीयू का जो अटेंडिंग होगा वो बताएगा. इंटरल इज प्रेफर्ड ऑफ कोर्स. उसमें भी दो वैरायटीज होती है. नॉर्मली जो हम खाते हैं वो स्टमक में जाता है, तो जब हम एनजी प्लेस करते हैं सिक पेशेंट को तो दैट इज कॉल्ड प्री पायलोरिक डाइट. प्री पायलोरिक इज फर्स्ट ऑप्शन और फर्स्ट रिकमेंडेशन फॉर एवरीवन एक्सेप्ट दोज हु आर नॉट टॉलरेटिंग द प्री पायलोरिक. उनको बहुत ज्यादा एस्पिरेशन आ रही है या दोज हु आर एट द रिस्क ऑफ एस्पिरेशन. क्योंकि जो स्टडी थी प्री वर्सेस पोस्ट पायलोरिक में इसमें दो लोगों को फायदा हुआ. एक जिनको जीआरवी गैस्ट्रिक रिजर्वायर वॉल्यूम बहुत बढ़ रहा था और जिनके गैग एंड कफ नहीं है, स्ट्रोक के मरीज, ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी के मरीज, तो उनको फिर क्या कहलाते हैं कि दूसरी ट्यूब पास करते हैं हम. अफकोर्स एनजी निकाल के दूसरी पतली ट्यूब एनजे कहलाती है, जे जियोजुनम में जाती है. तो अच्छी बात क्या है, वो स्टमक को पास करती है. सो दैट इज पोस्ट पायलोरिक. पोस्ट पायलोरिक इज नॉट द फर्स्ट ऑप्शन फॉर एवरीवन, इट शुड बी कंसीडर्ड इन अ स्पेसिफिक पॉपुलेशन. एंड लास्ट व्हेन पेरेंटरल, अगर आप किसी को इंटरल ना दे सकें और उसका न्यूट्रिक 6 से ज्यादा हो तो वेट नहीं करना, या उसने 7 दिन से कुछ नहीं लिया और अभी और भी नहीं ले सकता, जैसे पैंक्रियाटाइटिस का मरीज है, लेप्रोक्टोमी का मरीज है, ओपन एब्डोमिनल ट्रॉमेटिक गनशॉट के मरीज होते हैं, 4 ग्रेन्स पड़े हुए होते हैं, तो उन केसेस में, या बर्न का मरीज है, तो आप फिर वहां पैरेंटेरल दे सकते हैं. सबसे अहम स्लाइड, कितना खिलाना है. ठीक है, क्या खिलाना है ये तो बात की बात है. सो इसके ना 3 तरीके हैं. इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री ऑफ कोर्स बेस्ट है, ये बता देगा मुझे इतना चाहिए, इनको इतना चाहिए, इनको इतना चाहिए. हर किसी का अपना, हर किसी का कैटाबॉलिज्म अलग होगा, SIRS अलग होगा, ऑर्गन डिसफंक्शन अलग होगा, रिक्वायरमेंट अलग होगी, मसल डिसफंक्शन अलग होगा. इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री तो ऑफ कोर्स इज द स्टेट ऑफ आर्ट, बट हमारे पास नहीं है तो क्या करेंगे, प्रेडिक्टिव इक्वेशंस. ये हम कभी भी नहीं फॉलो करते, बेचारे लगे रहते हैं और कैलकुलेट करते हैं और वो हमारे पास आते हैं फिर हम कहते हैं नो नो ये प्रैक्टिकल है, कॉमनली फॉलोड है. प्रॉब्लम क्या है, इट इज नॉट एक्यूरेट, इट इज नॉट इंडिविजुअलाइज, वन साइज इज नॉट फिट ऑल. हर किसी को इतना नहीं चाहिए होगा. एक का बीएमआई 50 है, एक का बीएमआई 18 है, क्या दोनों को एक ही जितना प्रोटीन देना है, दोनों को एक ही जितनी कैलोरीज देनी है? बिल्कुल नहीं. इसीलिए ये अच्छा तो है लेकिन ये कभी कभी एक्सट्रीम ऑफ वेट आपको मिसगाइड भी करेगा. अच्छा, ये मैंने वॉश मैनुअल ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन से लिया है, जब इस पे टेबल नंबर भी लिखा वो किस तरह से क्रॉप हो नहीं पा रहा. सो इसमें अच्छी चीज क्या है, इसमें तो बड़ा अच्छे से ये बीएमआई के साथ इसमें प्रोटीन कैलोरीज की ना थोड़ी सी रिकमेंडेशन है. ये भी इवेलुएट नहीं होगा लेकिन ये इस तरह से फॉलो कर सकते. मैं आपकी तवज्जो लास्ट लाइन की तरफ, अगर किसी के बीएमआई मोर देन 50 है उसकी प्रोटीन उसकी कितनी बन रही है, 22 to 25, बट आइडियल बॉडी वेट, आइडियल बॉडी वेट हाइट से निकल रहा है. इसका मतलब ये है कि अगर किसी का बीएमआई 50 से ज्यादा है तो उसका उस पर वजन नहीं है ना, उसकी हाइट से वजन निकालना है, उस पर कैलोरीज देनी है. और अगर 30 to 50 है तो हमने कितनी कम देनी है, 11 से 14, यानी हम उसको स्लिम करके भेजें.
और अगर कोई लेस देन 15 है उसकी कैलोरीज की अमाउंट और ज्यादा रिक्वायर है, ये भी उसी ये प्रोटीन कंटेंट का है। कुछ अहम बातें, जनरल मेडिकल आईसीयू एंड सर्जिकल आईसीयू, यानी नॉर्मल याद रखिए 1.2 से 2 दैट इज स्टैंडर्ड, वी स्टार्ट एट 1.2 एंड मूव टुवर्ड द 2, बट स्पेसिफिक पॉपुलेशन ग्रुप है जिसमें चेंज करनी पड़ती है, जिसमें सबसे बड़ा ग्रुप है नेफ्रोलॉजिस्ट का। देखिए डायलिसिस के साथ डिफरेंट है, डायलिसिस के बगैर डिफरेंट है, सीआरआईडी के और डिफरेंट है, बट प्लीज नोट ये उनकी रिक्वायरमेंट आईसीयू में है, जब वो मरीज की ओपीडी में आएगा तो उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी, वो मुझे नहीं पता, वो मेडम डिसाइड करेगी, आईसीयू में इसकी ये रिक्वायरमेंट। ठीक है, एक और ग्रुप है, ये बेसिकली जिनका वेट ज्यादा होता है उनकी न्यूट्रिशन में जरा डिफरेंट है, कहते हैं हाइपो कैलोरिक हाई प्रोटीन का, एक लाइन है, सो कैलोरीज कम थी, प्रोटीन कितना दिया 2.5 किया, और बाकी जो ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के होते हैं, जिनको पैनक्रियाटिक ब्रेन लगे होते हैं, उनको भी हम प्रोटीन ज्यादा देते हैं। सो ये एस्पेन अमेरिकन सोसाइटी ऑफ पैरेंटल एंड एनिमल न्यूट्रिशन की गाइडलाइन है जो दुनिया भर में फॉलो होती है, दूसरी ईएसटीएन यूरोपियन होती है, दोनों की सेम रिकमेंडेशन है, स्टैंडर्ड प्रोटीन इतने देने, स्टैंडर्ड कैलोरीज इतनी देने। सो नॉर्मल प्रोटीन कितने देने हैं 1.2 से 2 ग्राम पर केजी पर डे, और कैलोरीज कितनी देनी 25 to 30 किलो कैलोरीज पर डे पर केजी पर डे, बट जिनका वेट बहुत ज्यादा है, बीएमआई ज्यादा है, उसमें हम क्या करेंगे, इतना याद रखेंगे कैलोरीज कम कर लेंगे, प्रोटीन बढ़ाएंगे, हाँ, क्योंकि उनकी मायोपैथी अवॉइड कर लेंगे। होता क्या है कि जब आप किसी को कैलोरीज कम देते हैं तो वो क्या करता है, मसल कैटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाता है, ग्लूकोजेनेसिस के लिए, हमारे लिवर को इतना पता है शुगर नहीं होगी, कहीं से भी निकाल के लानी है, तो वो कहां से निकाल के लाएगा, मसल से निकाल के लाएगा, तो उसको बचाने के लिए आप उसको अमाइनो एसिड प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसकी ज्यादा प्रोटीन है। ट्रोफिक वर्सेस, दिस इज द एरिया ऑफ माय इंटरेस्ट, के ट्रोफिक और फुल का डिफरेंस क्या है, लिमिटेड और फुल, लिमिटेड एंड फुल। एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है ट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, एनिमल गूगल कर ले, ट्रॉफिक का मतलब होता है पार्ट। सो अगर आप किसी को पर डे 400 to 500 कैलोरीज दे रहे हैं, 400 to 500 कैलोरीज दे रहे हैं आईसीयू, दैट इज ट्रॉफिक, जैसे ही आप 600 को क्रॉस करेंगे वो दैट विल नॉट बी अ ट्रॉफिक, वो फिर डिफरेंट हो जाएगा, फिर उसमें इंटरमीडिएट आ जाता है फुल। फुल का मतलब ये कि जितनी आपने इक्वेशन से या फॉर्मूले से या प्रेडिक्टिव इक्वेशन से या एयर कैलोरीमीट्री से निकाली थी उतनी देंगे तो वो फुल कहते हैं। इस पे बहुत स्टडीज है, मैंने कुछ रिसेंटली 2-3, ये एक इन्वेस्टिगेटर थी, कौन सा ट्रायल था, परमिट ट्रायल, दूसरा था ईडन ट्रायल, और एक मेटा एनालिसिस भी था, सबका कंक्लूजन एक ही था, एक्चुअली डिफरेंट ट्रायल्स तो वो उसमें आपको एग्जॉस्ट नहीं करना चाह रहा, इनका कंक्लूजन बड़ा अच्छा था, ट्रॉफिक भी थी फुल भी थी, और ये अच्छी स्टडीज हैं, दे आर गुड इंपैक्ट जर्नल, और बहुत हाई एग्जाम पे भी, न्यूट्रिशनिस्ट के एग्जाम भी अच्छी स्टडीज है, दे आर वेरी वैलिड स्टडीज। देयर वाज नो डिफरेंस इन मॉर्टेलिटी, यानी ज्यादा खिला के हम बचा नहीं सकते, जबकि हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि ईट मोर सर्वाइव मोर, नोसोकोमियल इन्फेक्शन में भी फर्क नहीं था, मैकेनिकल वेंटिलेशन के डेज में भी फर्क नहीं था, आईसीयू के लेंथ ऑफ स्टे में भी फर्क नहीं था, इसका मतलब यह है कि ट्रॉफिक फीड इज एज गुड एज फुल फीड, बशर्त आपने पॉपुलेशन ऑफ पेशेंट सही सेलेक्ट किया। तो वो पॉपुलेशन ऑफ पेशेंट कौन सा है, जो बहुत ज्यादा क्रिटिकली इल होते हैं, स्पेशली दोज हु आर एट वेसोप्रेसर्स, हु आर ऑन, हु आर जस्ट इंक्यूबेटेड, और हु आर वेरी किचक से, जो ट्रॉफिक फीड हम शुरू करते हैं ना, बेसिकली आई कहां से दिए, जनरली क्या हो रहा था कि दोस पेशेंट हु वर एडमिटेड विद बीएमआई ऑफ लेस देन 15 इन द आईसीयू, दे वर स्टार्टेड विद 35 किलोकैल पर डे, दूसरे तीसरे दिन तक तो ठीक होते थे, तीसरे दिन तक वो कॉम्प्लिकेशन होते थे और विद इन 7 डेज में मर जाते, उसके बीच में फिर ये रिफिलिंग सिंड्रोम आइडेंटिफाई हुआ था, वहां से उनको पता चला था, फिर उन्होंने कहा चलो न्यूट्रिशन कम करके देखते हैं, सब हमने कर लिया, जब उन्होंने उसकी कम करना शुरू की तो पेशेंट स्टार्ट इंप्रूविंग, इस ग्रुप के लिए ये कर सकते हैं, तो लेट्स अप्लाई दिस टू द हेल्दी ग्रुप, हेल्दी ग्रुप में भी फर्क नहीं पड़ा। सो आजकल आईसीयू पे जो है हर डिकेड की एक नई थॉट होती है,
तो फॉर दीज फ्यू इयर्स द न्यू थॉट फॉर द आईसीयू इज ट्रॉफिक फीड शुड बी गिवन टू द पेशेंट इन आईसीयू ऑन देयर फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ एडमिशन एंड प्रेफरेबली आगे हम बात करेंगे कंटिन्यूअस इफ यू हैव द रिसोर्सेज एंड पेशेंट इज कैंडिडेट फॉर दैट. सो इसलिए अब रिकमेंडेशन क्या है हमारी, हाँ कम खिलाना शुरू कर सकते हैं. ये नहीं कि आपने कम खिलाना शुरू किया तो हफ्ते पर वैसे ही करो, ऐसा ऐसा बढ़ा दो, बट स्टार्ट कम से करो. इंटरल पर इंटरल में तो कोई शक ही नहीं है ना कि इंटरल इज ऑलवेज प्रेफर. एक तस्वीर दिखाते हैं आपको. अब कंसल्टेंट्स को तो ऑफकोर्स पता है कि ये तस्वीर क्या कराती है. रेजिडेंट एंड स्टूडेंट्स इस पिक्चर को क्या कहते हैं बता दें प्लीज, जो बता देंगे हमको डबल जल्दी. अच्छा स्टडीज करते हैं, मेटा एनालिसिस का नाम सुना होगा. मेटा एनालिसिस इतना अहम क्यों होता है भाई? दिस सो मतलब उसका एक मकाम है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन. व्हेन यू हैव 10 ट्रायल्स ऑन अ सेम टॉपिक विद सेम पॉपुलेशन, लगभग चीजें सही रहती है, सेम क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर लिया, They all are like apple या oranges mix ना हो. और आप उन 10 की अलग अलग कहानी याद करने की बजाय क्या करें, यू कंबाइन देम और एक निचोड़ निकालें तो वो भी क्या कहलाएगा, मेटा एनालिसिस कहलाएगा. मैं बहुत सिंपल अल्फाज में बता रहा हूं, इससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है. तो मेटा एनालिसिस को जो ग्राफिकली अच्छे से रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि एक तस्वीर में सारी स्टडीज भी आए, उनकी सैंपल साइज भी आए, उनका इम्पैक्ट भी आए और उनका फायदा और नुकसान भी आए, तो उस तस्वीर का नाम होता है फॉरेस्ट प्लॉट. ये फॉरेस्ट प्लॉट होता है जिसमें आप अगर देखें तो स्टडीज के सैंपल साइज हर स्टडी के आगे ना दरमियान में एक लाइन है अगर, और हर स्टार का स्क्वायर आया, हर स्टडी का स्क्वायर जो है ना वो बेसिकली सैंपल साइज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जितना बड़ा स्क्वायर उतना बड़ा सैंपल साइज. वो स्क्वायर अगर मिड लाइन को क्रॉस करेगा, मिड लाइन को टच करेगा, इसका मतलब दोनों में कोई फर्क नहीं है, लेकिन वो कंक्लूसिव तब होगा जब किसी एक साइड पे चला जाएगा. तो जिस तरफ वो स्क्वायर होगा वही साइड जीत जाएगी और सबको मिला के जो आखिर में आता है वो डायमंड बनता है. तो हम बेसिकली इसमें डायमंड को देखते हैं. अगर डायमंड राइट पे है तो राइट वाली चीज अच्छी है, डायमंड लेफ्ट पे है तो लेफ्ट वाली चीज अच्छी है. तो इस केस में डायमंड कहां है, टेबल इंटरनल इक्वेशन. लेकिन ये देखें आखिरी स्टडी 2011 की है, क्योंकि ये मेटा एनालिसिस 2014 या 16 का था, ये अभी आ जाएगा क्योंकि 14 या 16 का था मेटा एनालिसिस. इसमें क्लियरली क्या था, क्या बेहतर थी, इंटरनल इक्वेशन. तो यहां तक तो हम क्यों इंटरनल बेहतर है, इंटरनल और पर इंटरनल का फर्क पता है? यस इंटरनल अगर आप माउथ के थ्रू दें या ऐसी तरीके से दें कि वो गट के थ्रू जाए, ठीक है. पर इंटरनल का मतलब ये है कि आप जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाएंगे. तो इंटरनल एक तो नेचुरल रूट है, इफेक्टिव भी ज्यादा है, महंगा भी नहीं पड़ता, नोसोकोमियल इन्फेक्शन भी इससे कम होते हैं और मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट इसके साथ कम होती है, लिपिड इतना नहीं खराब होता, शुगर इतनी खराब नहीं होती, इलेक्ट्रोलाइट इतना खराब नहीं होती. ये तो बातें बिल्कुल बजा है और इस पर एग्रीड है. इसीलिए हम क्या कहते हैं, इंटरनल इज डेफिनेटली प्रेफर्ड. बट वट इज द न्यू डेटा सजेस्टिंग लास्ट सिक्स ईयर्स, उस पर भी बात करेंगे. तो पैरेंटरल कब दे सकते हैं, अगर इंटरनली देखें तो पैरेंटरल बनाई क्यों, क्योंकि जिनको हम ये अगर लाइन आप याद कर लें ना, दो पैरेंटरल के लिए कब हाँ कहना है, इसमें तो दो ग्रुप आ जाते हैं. एक हमारी तरह जो गुड नरिश्ड पेशेंट है वो आईसीयू चला गया तो अगर वो नहीं खा सकता तो हम कितने दिन वेट कर सकते हैं, 7-8 days वेट कर लें. अरे तब भी नहीं खा पा रहा तो फिर आप पैरेंटरल ले. लेकिन एक दूसरा है जो मेल नरिश्ड है जिसका न्यूट्रिक और मॉडिफाइड भी खराब था, इन दैट केस अगर इंटरेक्ट नहीं दे सकते तो प्लीज स्टार्ट पैरेंटरल. इट्स नॉट एक्सक्लूसिव पैरेंटरल, ऐसा नहीं कि आपने 10% 20% टारगेट करना है, आप जितना दे सकते आप पैरेंटरल उस वक्त स्टार्ट करेंगे. आगे एक पैरेंटरल और इंटरनल पे एक स्टडी आई थी, उसमें बताऊंगा कि नया डेटा पैरेंटरल का क्या कहता है और पैरेंटरल का नया डेटा पॉजिटिव क्यों आया है. द लास्ट स्टडी व्हिच वाज डन ऑन इंटरनल एंड पैरेंटरल शोड दैट देयर वाज नो डिफरेंस इन आउटकम बिटवीन इंटरनल एंड पैरेंटरल.
और उसकी रीजन सिर्फ एक ही है, विच फॉर्मूला टू प्रेफर। अगर विच फॉर्मूला टू प्रेफर का मतलब ये नहीं कि वनीला है या चॉकलेट है, विच फॉर्मूला टू प्रेफर मीन के जो हमारे पास डिफरेंट फार्मूलाज हैं, कोई लिवर स्पेसिफिक है, कोई किडनी स्पेसिफिक है, कोई सर्जिकल पेशेंट्स का है, तो उसमें हमें करना क्या है, किसको शुरू करना है, एक। दूसरा, कुछ फार्मूलाज ऐसे हैं आप सर 100 पिलाएंगे 200 कैलोरीज मिलेंगी, आप 100 पिलाएंगे सर 100 कैलोरीज मिलेंगी, आप 100 पिलाएंगे 150 कैलोरीज मिलेंगी। इसका मतलब है कुछ ऐसा है, एक तो स्मॉलर होगा कि वन डायमेंशन है, फिर थोड़ा सा मॉडरेटली डेंस होगा 1:1.5, और फिर फुल डेंस होगा 1 ml में 2 ml मिलेंगे। इन दोनों में फर्क किस चीज का होगा, आई मीन व्हाई, जितनी ज्यादा कैलोरी है ले लो भाई, वॉल्यूम बढ़ लो, एक चीज हो गई गुड। और अच्छा, गट में अगर हम कोई चीज पीते हैं, कुछ फॉर एग्जांपल ये सप्लीमेंट पीते हैं, इंश्योर भी लेते हैं, उनको डायरिया हो जाता है, क्यों? लैक्टोज एक चीज हो गई, वेरी गुड। कुछ और भी बताएं, थोड़ी सी और टेक्निकल डालो, जो आप लेते हैं ना उसकी ऑस्मोलरिटी इंपॉर्टेंट है। अगर वो बहुत ज्यादा ऑस्मोलर है तो सारा पानी खींच लेगा, तो डायरिया कराएगा। इसीलिए इस पे कंसर्न्स हैं कि हमें कौन सी देनी है। एक एक और सवाल क्या आता है, ये तो हमने एक ऑस्मोलरिटी, फिर दूसरी चीज क्या होती है, एक डाइट होती है जिसको कहते हैं पॉलीमैर। When your carbohydrate and proteins are in the form of the poly, like proteins and the polysaccharides, that's a complex form. फिर दूसरी होती है semi-elemental. Semi-elemental में when you have oligopeptides, dipeptide and oligosaccharides and disaccharides. फिर आखिरी आ जाती है full elemental. Full elemental में सारे monosaccharides और amino acids. तो ये तीन basically thoughts हैं कि organ specific formula, ऑस्मोलरिटी फॉर्मूला, और फिर जो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है उसके साथ साथ कौन सा प्रेफर करना। एक स्टडी थी वो मैं शेयर करूंगा, ये एनर्जी डेंस की हुई थी, ये इन्होंने 1:1.5 कंपेयर किया था, अच्छे खासे सैंपल साइज थे, ये टारगेट इन्वेस्टिगेटर्स थे, टारगेट स्टडी भी है। इसमें इनको ज्यादा डिफरेंस मिला नहीं था, नो डिफरेंस इन आउटकम। इसका मतलब ये कि ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड देने का भी फायदा नहीं है, अनलेस कि अगर वॉल्यूम रिस्ट्रिक्ट नहीं करें। तो रिकमेंडेशन क्या है, ये मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, दिस इज बेस्ड ऑन द ASTM एंड ESTM फॉर ऑल एडल्ट पेशेंट। स्टैंडर्ड ये है कि आपने पॉलीमेरिक देनी है स्टार्ट विद, ऐसा नहीं है कि पहले से ही आप एलिमेंटल दें, पॉलीमेरिक देनी है किस कॉन्सेंट्रेशन के साथ, 1:1.5 इज मोर देन इसके साथ नहीं, और ऑब्जर्व करें। जो इम्यून मॉड्यूलेटिंग फार्मूलाज है, ये बड़े इन है, इम्यून मॉड्यूलेटिंग फार्मूला है जिसमें ओमेगा 3 होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, आर्जिनिन होता है, ग्लूटामेट होता है, तो बहुत स्टडीज हुई है, दे आर नॉट रिकमेंडेड फॉर एवरीवन। एक सिर्फ स्टडी ग्रुप था जिसको फायदा हुआ था ये इम्यून मॉड्यूलेटिंग से, बिकॉज दे आर नॉट सेप्टिक। इम्यून मॉड्यूलेटिंग का कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, ऑलरेडी सेप्सिस में इम्यून सिस्टम आगे पीछे हुआ हुआ है, आप एक और थप्पड़ लगा दें उसको इम्यून मॉड्यूलेटिंग देखें तो पेशेंट डेफिनेटली डाई। तो सेप्टिक शॉक के मरीज तो ज्यादा मर गए थे इसमें। एक ग्रुप था पोस्ट सर्जिकल पेशेंट एंड ट्रॉमा के जो पेशेंट थे उनको फायदा था, लेकिन उनको भी आप पहले दिन से नहीं शुरू कराएंगे। सो हमने एक बात सीखी, ऑल क्रिटिकल ईल पेशेंट हम पॉलीमेरिक देंगे 1.5 या 1 किलो कैल पर ml इज मोर देन एनफ। अगर कोई टॉलरेट नहीं कर सकता तो फिर हम उसको सेमी एलिमेंटल दे सकते हैं या एलिमेंटल दे सकते हैं। और अगर फॉर एग्जांपल कोई रीनल या लिवर का पेशेंट है तो कोई फार्मूला दूसरे पे प्रेफरेबल नहीं है, यू विल गिव व्हाटएवर इज अवेलेबल। तो ये नहीं है कि भाई फॉर एग्जांपल लिवर के लिए कुछ फार्मूलाज आए थे दैट इज नॉट प्रेफरेबल, किडनी का फार्मूला दैट इज नॉट प्रेफरेबल, अनलेस के कंसल्टेंट थिंक ये इसके लिए बेहतर होगा, मगर डेटा सपोर्ट नहीं करता उस चीज को। सो यू कैन गिव मुझे बहुत पसंद है वो, तीन तो फॉर्मूले अवेलेबल है,
लुसाइना है, शोर है, तीसरा कौन सा? बेनी प्रोटीन पेप्टाइड है। देखो मैं लेना नहीं चाह रहा था नाम, बिकॉज़ आई एम ऑब्लाइज नॉट टू टेक इट, बट ये कि आपने ले लिया तुमने। पेप्टाइड इज सेमी एलिमेंटल, इट कैन बी ओनली गिवन टू दोस जिनको आपको लग रहा है जो टॉयलेट नहीं कर रहे, जैसे पोस्ट सर्जिकल है, 7 दिन बाद रिव्यू आपने शुरू कराया, गट खराब है, उनको आप दे सकते हैं, सबको नहीं देना। लिवर के लिए बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं, पुरानी बात है। आइसोकेल आप लोगों ने किसी ने नाम लिया, आइसोसमोलर, उसमें डायरिया कम है, एंड द ग्लाइसेमिक इंडेक्स इज लेस देन एक्चुअली। सो यहां तक न्यूट्रिशन इन शॉक, शॉक मीन व्हेन समवन इज रिक्वायरिंग ऑर्गन सपोर्ट फॉर मेंटेनिंग द ब्लड प्रेशर, दैट इज लाइक आम अल्फाज में कहते हैं व्हाट इज द मोस्ट कॉमन ड्रिप इन द आईसीयू, सब सलाइन सलाइन है, नो इट्स नॉट इट, सलाइन को बंदी हो गई आईसीयू में, रिंगर पे आ गए हैं। Not maintaining MAP on vasopressin. अगर आपको लग रहा है कि आपने MAP 65 टारगेट किया था और सुबह से अब तक आप नॉरएपिनेफ्रिन बढ़ाते जा रहे हैं और MAP नहीं रीचिंग हो रहा, तो न्यूट्रिशन अभी ना देना, रुक जाए। या वेजोप्रेसन MAP तो आपका ठीक है, 70 चल रहा है, लेकिन सुबह 0.1 की नॉरएपिनेफ्रिन की अभी 0.5 की हो गई, शाम में 0.9 की हो गई, एस्केलेटिंग वेजोप्रेसन है। ये क्लिनिकल साइन ऑफ हाइपरपरफ्यूजन है। क्लिनिकल साइन ऑफ हाइपरपरफ्यूजन तब होती है जब कोई ठीक ठाक हाइपरपरफ्यूज होता है, कि कोल्ड क्लैमी पेरिफीज है, साइनोज हो रहा है, ड्राउजी हो रहा है, तो गट का भी यही हाल होगा, फिर आप ना प्रेफर टू स्टार्ट एट। अब ये जो दो लाइन है ना, दिस इज द नेक्स्ट शॉक, शॉक के मरीज को स्टार्ट एस ट्रोपिक, नंबर वन लाइन एस कंटिन्यूअस 20 ml पर आपको शुरू करें व्हेन बीपी इज स्टेबल ऑन वेसोप्रेसन। अब इस पे डिफरेंट गाइडलाइन तो खैर इस पर कोई खास नहीं, डिफरेंट स्टडीज ने डिफरेंट सेफ्टी रिप्रेजेंट की, कुछ ने रिपोर्ट किया है कि 0.3 में उन्होंने स्टार्ट कराई थी और पेशेंट स्टेबल चला था, कुछ ने 0.5 तक भी स्टार्ट कराई और स्टेबल चला था, बट ये आपको अपनी क्लिनिकल डिसीजन से डिसाइड करना है कि किस नॉरएपिनेफ्रिन पे लेने देना है। यूजुअली मैं आईसीयू में अगर अकेले नॉरएपिनेफ्रिन पे है और 0.5 क्रॉस कर जाए तो मैं कोशिश करता हूँ कि डाई देना शुरू करें, दैट्स वेरी हाई डोज, इसको बेसिकली कहते हैं रिफ्रैक्टरी शॉक। और अगर वेसोप्रेसन के साथ है और फिर 0.3 पे आ जाती है तो वो भी फिर रिफ्रैक्टरी शॉक की डेफिनेशन में आता है, फिर मैं थोड़ी न्यूट्रिशन नहीं देता, होल्ड कर लेता हूँ। ये मेरी प्रैक्टिस है, बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें बहुत बैकअप में डेटा है, हर किसी की अपनी प्रैक्टिस है, इसमें भी साइड टू साइड डेटा पॉसिबल नहीं है, दिस इज ग्रुप जिसको रेंडमाइज करना मुश्किल है। अच्छा, इस ग्रुप में बड़ी इंपॉर्टेंट स्टडी है, अगर न्यूट्रिशन आप पढ़ें और आप इस फ्रेंच ऑथर के 3 ट्रायल का जिक्र ना करें जिसने बड़ा खूबसूरत नाम दिया था, न्यूटीरिया 1, न्यूटीरिया 2, न्यूटीरिया 3 अभी लास्ट मंथ न्यूटीरिया। अच्छा, आई लाइक दिस ऑथर बिकॉज ही ऑलवेज एड्रेस अ वेरी गुड क्लिनिकल पॉइंट्स। इफ यू रिमेंबर योर आईसीयू रोटेशन, स्पेशली जब हमारे सीनियर आईसीयू रोटेशन कर रहे थे, एक नर्स को लेटर मिल जाता था अगर उसने फीड देने से पहले उसका गैस्ट्रिक स्प्रे चेक ना किया, इट वॉज प्रैक्टिस 20 ईयर्स बैक, इवन टेल अभी भी कहीं पे हो रही थी। This man came up with a thought. उसने क्या किया, ग्रुप में वो गैस्ट्रिक एस्पिरेट चेक कर रहा था, एक नहीं चेक कर रहा था, we call it GRE, थोड़ा सा खूबसूरत नाम है, GRE, gastric residual volume. So in Deuteria 1, इसका क्वेश्चन ये था, क्या GRE मॉनिटर करने से मोर्टिलिटी बेहतर होती है या खराब होती है, क्या कॉम्प्लिकेशन का रिस्क बढ़ता है। सो अच्छा सैंपल साइज था, 100 के आसपास थे, तो उसमें ही सी की कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं, एंड दिस वॉज द स्टडी जिसने प्रूव किया कि आप जीआरपी को आप स्पेसिफिक ग्रुप में चेक करो, जैसे शॉप वाला मैंने अभी देखा उसमें चेक कर लो, किसी को एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो रही है उसको चेक कर लो, हर किसी को चेक करने की जरूरत नहीं। पहला था न्यूटीरिया 1, न्यूटीरिया 2 को तो आप क्लिनिकल क्वेश्चन देखें, न्यूटीरिया 2 को क्लिनिकल क्वेश्चन इज सो पर्टिनेंट एंड इंपॉर्टेंट। पहले उन मरीजों को लो जो वेंटिलेटर पे है और शॉक में है, वेंटिलेटर पे है और शॉक में है, उनमें कंपेयर करो कि अर्ली इंटरेस्ट बेहतर है या अर्ली पैरेंटरल बेहतर है, क्योंकि अब तक हमें पता चल चुका था कि इंटरल और पैरेंटरल में
शायद रूट से ज्यादा प्रॉब्लम डोज की है, मैंने कहा था एक ही वजह है। When we give parenteral, we try to give them maximum. और लोगों को लग रहा था कि parenteral से लोग मर रहे हैं। Obviously parenteral difficult to give है, और उस वक्त शायद लाइन की केयर भी इतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी। अब तो लाइन की केयर भी अच्छी हो गई है, सो और लाइनें भी अच्छी आ गई, बैक्टीरिया कोटेड और फ्लैनेट में। सो ये जो स्टडी थी, इसमें इन्होंने जो स्टडी क्वेश्चन था वो क्या था, अर्ली इंटरनल वर्सेस पैरेंटल। 2400 पेशेंट आईसीयू में और कितने 44 फ्रेंच आईसीयू में स्टडी हुई थी। न्यूट्रिशनल रिजीम ये थी, सेम डोज में कंपेयर किया था, ये स्मार्टनेस ये थी, डोज में सेम रखते हैं और क्या मिला इसको, नो डिफरेंस इन मॉर्टेलिटी। एंड बट एक चीज जरूर मिली, दिस वॉज द फर्स्ट स्टडी जिसमें इल्जाम था कि जो कंपनीज पर इंटरल न्यूट्रिशन बनाती हैं उसने इसको फंड किया था, इनफैक्ट केस भी हुआ था, बट वो जीत गया क्यों भाई, मानी है आदि को आई मीन। सो बट इसमें क्यों, ये आखिरी लाइन इंपॉर्टेंट है, ये देखें, मोर जीआई कॉम्प्लिकेशन विद इंटरल रूट दैट इज वोमिटिंग डायरिया बाउल एस्किंग एंड कोलोनिक सुडो ऑब्स्ट्रक्शन। इंटरल तो बादशाह है ना, वी आर नॉट टचेबल, कोई कहता ही नहीं कि इंटरल खराब है। इसने पहली दफा कहा कि नहीं, जब शॉक के मरीजों को आप इंटरल देंगे वो भी इस डोज में पहले दिन से, तो ये मसले तो होंगे। तो इन मसलों को हल करने का पहला तरीका ये है कि आप डोज कम कर दें, दूसरा तरीका ये है कि अगर कुछ नहीं कर सकते तो पैरेंटल दे दें, बट ये फाइनल वर्डिक्ट हैव टू कम। जैसे न्यूट्री थ्री भी आया है, वो उसका ऑब्जेक्टिव बहुत ही फैंसी है कि आप आईसीयू में पहले दिन मरीज को रेंडमाइज करें, इसकी एक्सटेंशन है, एक को डिसाइड करें कि 10 किलो कैल्स देनी है और 0.2 का प्रोटीन देना है, 0.4 का प्रोटीन देना है, और दूसरे को डिसाइड करें कि 25 किलो कैल देनी है और 1 ग्राम का प्रोटीन देना है। सच ए ब्यूटीफुल टास्क, और वो स्टडी आउट भी होगी, अगर आपको इंटरेस्टेड है तो न्यूट्रिशन 3 के रिजल्ट बिल्कुल अवेलेबल हैं, पिछले हफ्ते हमारे जनरल क्लब में प्रेजेंट भी हुई थी, यू कैन रीड इट, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टडी फॉर आईसीयू। सो पेशेंट इन शॉक में हम हल्का हल्का खिलाएं, वी विल प्रेफर द ट्रॉफिक साइड। ये बहुत डिफरेंट टॉपिक है, जनरली हम सब में सेम न्यूट्रिशन स्टार्ट करते हैं, फिर हर पॉपुलेशन के हिसाब से हम उसको मॉडिफाई करते हैं। रिफीडिंग इज इंपॉर्टेंट है, इफ समवन हैव लॉस्ट देयर वेट ऑफ मोर देन 10 or 20% इन लास्ट 3 months, बीएमआई लेस देन 18 है, वेट लॉस है, तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि इसको रिफीडिंग का रिस्क है। जब हम उनको प्रोटीन ओके डबल एक्स स्टेट में होते हैं, जब हम उनको प्रोटीन बहुत ज्यादा देते, जब हम अगर कैलोरीज देते हैं तो कार्बोहाइड्रेट क्या कराते हैं, हाइपर इंसुलिनेशन करा देते हैं, इंसुलिन की वजह से एनाबोलिज्म स्टार्ट होगी, सारे इलेक्ट्रोलाइट सेल के अंदर चले जाते हैं, तो लाइफ थ्रेटनिंग हाइपोकैलेमिया, लाइफ थ्रेटनिंग हाइपोफॉस्फेटेमिया एंड लाइफ थ्रेटनिंग हाइपोमैग्नीशियमिया, हाइपोकैल्सीमिया से पीपल डाई। तो इसका बेस्ट तरीका यह है कि अगर आपको लगता है कि कोई रिफीडिंग सिंड्रोम की रिस्क है, वी विल जस्ट स्टार्ट अवर लो डोज 10 किलो कैल्सियम और इलेक्ट्रोलाइट चेक करेंगे, इसमें थायमिन और नियासिन की भी रिकमेंडेशन होती है, क्योंकि जैसे आप डाइट देते हैं इनकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो पेशेंट लैक्टिक एसिडोसिस में चला जाता है। सो रिफीडिंग इज अ वेरी पर्टिकुलर, इसकी तो बाकी अलग टॉक बनती है कई घंटे होंगी, मैंने इसलिए इसकी सिर्फ 4 बातें ही लिख ली। ये फ्लो चार्ट इस तरह से आप किसी तरह से भी शुरू कर सकते हैं, वॉच मतलब क्रिटिकल केयर से है कि इस तरह इस फ्लो चार्ट को सामने रखते हुए आप अपने मरीज को डाइट शुरू करा सकते हैं, अदरवाइज आप किसी तरह भी कर सकते हैं। एंड कंक्लूजन जरूर एक दफा देख लेते हैं कि क्या है, पहले असेस करें, रिस्क कैलकुलेट करें, इंटरवल शुरू करा दें, उसके बाद इंटरनल जब भी शुरू कराएंगे ऊपर के मसले भी खराब हो सकते हैं, नीचे डायरिया भी हो सकता है, उसको भी देखना है, जोनल डिस्टेंशन को देखना है, हेड ऑफ बेड एलिवेट करना है, आपने ये चीजें देखनी है, प्रोकाइनेटिक की जरूरत है वो दे देना है आपने, और आखिर में डू नॉट यूज गैस्ट्रिक रेसिडुअल वॉल्यूम रूटीन, स्टार्ट फॉर इंटरनल व्हेन इंटरनल इज नॉट सी। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, एनी क्वेश्चन, क्वेश्चन विल बी टेकन, अच्छा विल बी टेकन, थैंक यू सो मच। Discussing the latest evidence-based recommendations and practical strategies for improving outcomes through dietary interventions. I am honored to invite Dr. Purma Hori, Head of Department of Medicine, Gravity Hospital, with him to share knowledge on how dietary interventions can be used. Thank you.
Okay, assalamu alaikum everyone. Thank you, Dr. Rajiv, for a very elaborate talk on the nutrition in the ICU patients. So my talk is very simple. It's on nutrition therapy for adults with diabetes and pre-diabetes. It is a very important common disease in medicine. This is a brief overview of my talk today. I will be discussing about the disease burden in Pakistan, why diabetes prevalence is getting higher, it is increasing day by day, and what is the importance of patient-centered approach and shared decision-making, which is very important, goals of medical nutrition therapy, and what is the ideal percentage of macronutrients in diabetic diet, and what is the role of different type of diets in diabetes, and of course, the role of weight management and exercise in diabetes. Okay. So this is a very alarming situation which we are dealing at the moment. Pakistan has now the highest prevalence of diabetes in the world. And every fourth individual, that is 26% of our population, is not diabetic. This is, we stand third after China and India. This is a very, very alarming situation. And almost 33 million of our population is affected by diabetes. This is again a graph showing the recent increase in the diabetes prevalence in our country, and this has happened in past few years. From 2019 to 2022, there is a sudden increase in the diabetes. So, what went wrong in Guwahati? There is no rocket science behind that. Of course, we are getting more obese. The people here are getting more overweight, and there is urbanization. There is lack of exercise. The physical inactivity is increasing day by day. And of course, the use of processed foods is on the rise, etc. So these are the few reasons for the rise of diabetes in our country. Again, a very interesting slide. This represents the food price index, which is a predictor of diet and weight outcomes. The items on the right, when you compare it to the items on the left, are getting less expensive than the vegetables and fruits. This is everywhere in the world. So, hume zyada aasan lagta hai ki we consume samosas and bakery items and we grab a can of soda rather than having a water. So, yeah, this is the problem. Hum sabziyan aur vegetables aur फ्रूट्स खाने के बजाय हम एक समोसा और एक क्यों, क्योंकि हमारे तो प्रेफरेंसेस ही ऐसे हो गए हैं, बट इसका एक ताल्लुक हमारे प्राइस इंडेक्स से भी है. एंड दिस इज एवरीवेयर इन द वर्ल्ड. ये यूएस प्राइस इंडेक्स है फॉर द पास्ट फ्यू डेकेड्स. एंड लुक एट द चार्ट्स. व्हाट इज दिस ग्राफ टेलिंग यू? द प्राइस ऑफ कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आर गेटिंग लो, less and less, and the prices of vegetables and foods are increasing day by day. So this is what is happening everywhere in the world, and of course we being the underdeveloped country are affected more. Then there are marketing events. So they are selling these all sodas and carbonated drinks in the name of marketing and all. There are fancy slogans, fancy jingles, Galima, chai, nahi, Coca-Cola, milade. So this generation, They feel that they look more fashionable when they have soda rather than drinking a cup of tea. So this is a reason. Then our superstars, they are also selling carbonated drinks as compared to Ronaldo, who refused to keep a can of Coke in front of him in a press conference. He said, please remove this from there. But our stars, we are selling them to another reason. What is the harm in having soda? Soda mein kya saari nayi generation baithi hui hai? Ek din mein aap log kitna soda peete hai? Zero. Very good. Whoever is saying zero, zero, very good. No. So new generation and even old generation like us, sab pee rahe hote hain. So kyun isme harm? Kaise ye pee liya? Kya masla kya ho gaya? Ye masla. When you consume one can of soda, it has 9 to 10 teaspoons of sugar in it. 9 to 10 teaspoons.
and then there are all your bad considers and proconsiders and colors and whatnot. So that's why it is not right. So this is the National Service, the old National Service was happened in 1994 and that was published in 2006. And according to Asian BMI cutoff, Asian BMI cutoff, you know? Carbohydrate one should consume. So the ADA American Diabetic Association
Association recommends that nutrient-dense high in fiber should be consumed, which must include vegetables, fruits, whole grains, legumes, and of course dairy products. So those patients who are on flexible insulin regime must be taught how to count their carbohydrates. Patients who are on fixed dose insulin should follow the more consistent, more persistent carbohydrate intake daily to avoid hypoglycemia, of course. And patients must avoid sweet beverages and juices for weight control and to avoid fatty liver, because studies show that these juices and all type of fancy sweet drinks are associated with NAFLD and fatty liver. So the recommended amount of carbohydrate in one's diet should not be more than 130 grams. Should be less than that. So A hamara staple food kya So physicians must know, especially family medicine ke hamare yahan par bahut sare residents baithe hue hain and physicians as well, they must know that how much gram of carbohydrates are there in single roti. The chapati jo hamare ghar mein khai jati hai ya white bread ya brown bread mein kitna carb hota hai. And for that matter, what about rice? That's a very frequently asked question by the diabetic. Can they have rice? Kha sakte hain nahi kha sakte? छोटा होता है जिसमें बड़ा होता है व्हाइट ब्रेड की वन साइज में it has 15 grams and bran has again upon the depending on the size 12 to 18 grams of carbs. So this is a rough idea ki hamare kitne carbs consume kar sakte hain. And this is something a major change in American Diabetic Association recommendations which happened in 2019. Isse pehle nahi kehte the kabhi. ये अभी हुआ कि उन्होंने ये कहना शुरू किया कि लो कार्बोहाइड्रेट डाइट अगर पेशेंट विद डायबिटीज लेता है तो रिजल्ट्स विद इंप्रूव्ड ग्लाइसीमिया एंड इट हैज पोटेंशियल टू रिड्यूस देयर ग्लाइसीमिक ट्रीटमेंट. दिस इज समथिंग न्यू व्हिच इज व्हिच हैज बीन एडेड इन 2019 इन देयर गाइडलाइंस. ओके, दीज आर एफडीए अप्रूव्ड नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स. द very first question when you ask your diabetic patients to stop taking sweets immediately after from chaabe gala, that's an easy subject. So they have this option, all of them, especially last food, stevia and monk fruit has recently gained popularity, and they comparatively they are less bitter, they have less aftertaste than them. They all are available in Pakistan. Ek question aur hota hai, कैंसर तो नहीं हो जाएगा? एक और स्टडी आई थी जिससे पता चल रहा था कि इससे डिमेंशिया भी होता है. सो मोर देन 200 स्टडीज वर डन ऑन नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर एंड नॉन सेट के इट इज एसोसिएटेड विद ईदर विद कैंसर और विद डिमेंशिया एक्सेट्रा. हाउएवर the problem with these non-nutritive sweeteners, somebody was asking this question this morning, okay, what is harm in consuming the diet soda? Diet soda, then we have to say, kya harm? So no doubt, it does not increase your glycemic levels. Sugar to nahi badhata hai, but katta kya hai? Agar bahut zyada consume kiya jaye, it increases your insulin level. And you know, insulin resistance is the main problem. Aur wo fat storage karta hai. So this is the issue कि हमें इन मॉडरेशन लेना चाहिए. वो भी आप बेहतर है ना लिए पानी के. ओके, डाइटरी फाइबर शुड बी एडेड इन पेशेंट्स एवरीवन्स डाइट, बट मिनिमम ऑफ 14 ग्राम ऑफ फाइबर शुड बी देयर पर 1000 किलो कैलोरी और 25 to 35 ग्राम्स पर डे. इफ वन टेक्स 50 ग्राम ऑफ फाइबर इट इज एसोसिएटेड विद modest reduction of A1C. What about the protein requirement? So protein intake goal should be individualized again. And there was this study
mentioned as a debate that how much proteins should the patient with the diabetic kidney disease consume. So the recommendation by National Kidney Foundation of USA recommends 0.8 grams per kg per day of the protein in a patient with diabetic kidney disease, which means that the patient weighs 70 kg, it will make roughly 56 grams. As compared to 70 to 100 grams of protein with the patient without kidney disease. So that's again asked Dr. Saab, आपका हम गोश्त भी नहीं खा सकते cardiologist ने गोश्त भी बंद कर दिया अंडे भी बंद कर दिए so that's not right that's a very old school thought. If the patients who have cardiac issues cannot consume meat at all. No, animal-based protein, the lean protein, lean meat, yes, they can consume in moderation. Poultry and seafood and in little amount they can also consume red meat. Eggs, the same is the case with egg. One egg gives 28 grams of 1 ounce of protein. It gives 6 grams. Sorry? One egg gives 6 grams. It gives 6 grams of protein? Maybe. मैंने यहाँ से देखा है वहां पर 1 ounce लिखा हुआ था 1 ounce ओके कन्वर्जन में शायद इसमें कन्वर्जन में मसला है 1 ounce इज 7 ग्राम्स ओके ये तो चार अंडे तक खा सकते हैं 28 ग्राम्स तक ले सकते हैं तो इट इज नॉट एसोसिएटेड विद राइज इन कोलेस्ट्रॉल प्लांट बेस्ड ऑप्शंस आर आल्सो अवेलेबल फॉर दोस हु आर वेजिटेरियंस लाइक टोफू व्हिच इज नॉट वेरी popular in our part of the world, but yes, people can consume that. It is available, though it is very expensive. Then there are other options like nuts and legumes and nut butters and several things. Okay, what about the fat consumption? So National Academy of Medicine recommends total fat requirement for all adults with or without diabetes to be somewhere between 20 to 35% of their calorie intake. And they also recommend that Mediterranean style diet, which is rich in monounsaturated and polyunsaturated fatty acids, should be consumed, and that improves their glucose metabolism and lower their cardiovascular risk. And food which is rich in omega 3, like fatty fish and nuts and nut butters, are also recommended. So one thing is very clear, no debate about that. Say no to trans fat. Trans fat होता क्या है? Trans fat किस चीज में हो सकता है? जो बेकरी के आइटम्स होते हैं, जो मजे-मजे की चीजें होती हैं, because trans fat is included in vegetable shortenings and you know margarines होते हैं, उसमें ये सारे ये fats होते हैं. And why they use it? The bakery people होते हैं, why they use it? Because it is cheap and it increases the shelf life of the product. So to increase that, they use it. However, after June 2018, FDA stopped its use, it's forbidden. So whenever you ask your patient, you must ask the patient to check the label on the food. It should contain zero trans fat. Okay, there are different diets. Just give us a little like Mediterranean style, DASH diet for hypertension, low fat diet, very low fat diet, low carbohydrate diet, high protein diet, ketogenic diet, which is very much in fashion these days. So, yes, is this a cheap policy? Who is studying this? DASH diet. But she can be keto diet. DASH diet. Meditation. So, what is the evidence? DASH diet is good. DASH is good for us. DASH diet is good, yes. Plant-based is good and the most robust research available, PREDIMED, isne hame bataya ki the Mediterranean style low-fat, low-carb vegan plant is the most beneficial for the prevention of diabetes. And it lowers the risk by 30%, because it is really huge. What does it look like? So this is the pyramid, it's telling you. के लिए इस तरह की नजर आती है. ऑफकोर्स द मेजर चांस ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन्स एंड
and poultry, eggs, and a very little part is comprised of meat, red meat, and chocolate. Sweet bean husk, and then dark chocolate bean. Anybody like dark chocolate, by the way? 90%. Who can take 90%? I vow they are the best people in the world. If one can take 90% of cacao, that is the best. But वो बिल्कुल sweet नहीं रहता, वो bitter होता है. But it's good for According to ADA, this year's guidelines, they recommend these superstar foods for diabetics. ये इन्होंने ये बकायदा अपने site पे ये superstar foods करके दी है for diabetics, which include beans, dark leafy vegetables, citrus fruits, berries, fish, nuts, whole grains and legumes, yogurt and cottage cheese. So one must tell their diabetic patient if they must consume anyone from DM as a rule diet, they must include these super foods. Nobody will deny the benefits of weight loss, of course, for the prevention of diabetes. So weight loss is one of the most important factors for the prevention of diabetes. With every kg weight loss, there is 16% reduction in the risk of progression of diabetes over 3.2 years. 5% weight loss is recommended to achieve clinical benefits, and goal for 15% or more weight loss if it is needed or required or allowed. 5-10% weight reduction is associated with diabetes remission. And by the way, what is diabetes remission? हम डायबिटीज रिविजन की अब आज तक बहुत बात कर रहे हैं. पहले फिजिशियंस कहते थे एक दफा डायबिटीज हो गई सो देयर इज नो गोइंग लुकिंग बैक, बस हो गई ना. नो, गॉन आर द डेज. नाउ वी कैन से दैट डायबिटीज कैन बी रिवर्स्ड और कैन बी गो कैन गो इन रिविजन. सो रिविजन को एडीए ने इज अ डायबिटीज इन प्री डायबिटीज रेंज एंड नो मेडिसिन फॉर वन ईयर. एक साल तक अगर कोई मेडिसिन ना ले और उसकी जैसे एज में इवन सी पहले 7 था और वो 6 हो गया एंड दैट स्टेज देयर फॉर अ ईयर. दिस इज रिविजन ऑफ डाइट. दिस इज अ न्यू कॉन्सेप्ट. सो वेट लॉस कैन बी अचीव्ड बाय लाइफस्टाइल प्रोग्राम दैट अचीव 500 टू 750 किलो कैलोरीज पर डे एनर्जी डेफिसिट. जैसे अगर 2000 की रिक्वायरमेंट है तो 1500 कर देंगे तो वेट लॉस अचीव हो जाएगा. So these are different trials that support weight loss. Of course, AHEAD trial tha, direct trial tha. Direct trial where they saw that 46% of the participants showed remission of diabetes after the reduction of 5 to 15% of their body weight. So this is very important. How to prevent hypoglycemia? We must teach our diabetic patients to not skip their meals at any cost. They must be consistent about what amount and what type of food they take. They should be consistent about that. Add this medication or eat additional snacks if physical activity is increased. If they are taking some, adding some type of exercise in their regime, they are walking half mile more, so they must adjust their snacks or their meal accordingly. And that's not a bad idea to check their blood glucose level before exercise. So in summary, eating plan should be developed in collaboration with your patient. M&D requirements should be adjusted regularly based on individual's life circumstances, preferences and disease course. Low carb diet may result in improved glycemic control as well as reduction in their medications. Regular follow-up with the physician and diabetologist is very important. The commonest question by the patient, what can I eat, should be addressed in the light of evidence-based interventions, not for personal likings, weight reduction, of course, and exercise. That's all. Even one's own relatives. For me, I can forgive my resident as well. How much do you consider, like, can you use it with your, like, your skin like that?
yes, one can assume that it is written. 12, मुझे exactly अभी याद नहीं, 12 milligrams per kg है इसका तो डेली, और इट्स वेरी डिफरेंट एस्पार्टेम, इट्स डिफरेंट, वो हाई है, दैट यू कैन कंज्यूम हायर, इवन स्टीविया यू कैन कंज्यूम इट इन मॉडरेशन, आप ले सकते हैं मीठा भी, वंस इन अ व्हाइल यू कैन हैव दैट, बट डेली लेना या डेली डाइट सोडा लेना, दैट इज नॉट अ गुड आइडिया. मुझे पहले आपको रीजन बताया था, इट डज नॉट इंक्रीज द ग्लाइसेमिक लेवल ऑफ डायबिटिक्स, but it increases the insulin secretion, which is again you don't want to happen. Thank you, Dr. Asya. Thank you very much for your participation. So yes, one can take, but iska sara recommendations jo hai wo likhi hui hai ki aap per kg kitne hisab se le sakte hain. If you know the weight of your patient, yes, you can calculate. Okay, thank you. Our next presenter is the disease nutrition in the year four. Until then, our nutrition and medical team question is a question. We have the luxury of time. Sir, you talked about trophic nutrition. Yes. Is there some, is it dependent on the consultant how much he should give? Like 75% or 50% of the total nutrition, yes, or is there a formula? If you are exceeding 500 or 600 kilocalories per day, it is no more trophic. Trophic is aap 400 se 600 ke beech mein, roughly 500 tak dete hain kilocalories per day. So usually jaisa ki 100 diet dete hain, wo 1 kilocal per ml hai. To hum agar 20 ml per hour de rahe hain, तो वो 24 घंटे में एक दो घंटे ब्रेक भी आता है, वो 400 से 500 एमएल तक ही जा रहा है, दैट इज टोटल. और फिर नेक्स्ट डे पे आप ग्रेजुअली बढ़ा भी सकते हैं, क्या 30 कर दें, 40 में कर दें, वो फिर वैसे सकते हैं. और ये है कि आपको पता होना चाहिए कि ट्रॉफिक किस पॉपुलेशन को लेते हैं. एंड इट इज एप्लीकेबल ऑन बोथ पैरेंटल एंड एंट्रल न्यूट्रिशन. यस. So initial studies which say that parenteral is of course not a natural group, but there was difference of amount of healthy cells. So the new studies ne kya ki same amount mein compare kiya. There are many reasons that the outcome are not different, but one of the reason is the amount of calories is same in one. So amount of calories matter a lot, because we are in a catabolic state. Jab patient ICU, aap agar thoda sa bahut basic pe jaye, ebb phase hota hai, flow phase hota hai, wo basic se baatein hain. के फॉर अप टू 7 डेज जो है ना आइक्यूपेशन आर मेटाबॉलिक स्टेट. तो मेटाबॉलिक स्टेट में आप जो ज्यादा कैलोरीज देते हैं वो इतनी ज्यादा इस्तेमाल नहीं होती, उसको ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है. तो हम अनफॉर्चुनेटली ये जो लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं हमसे भी शिख पाए और लोगों से भी शिख पाए, तो कमर्शियली अवेलेबल जो डाइट्स हैं एनजी फीड्स हैं उनके 1-250 ml की फॉर्मुलेशन में आपको अगर कैलोरीज 250 मिल रही है तो प्रोटीन सिर्फ 8 ग्राम मिल रहा है, 7 ग्राम मिल रहा है. दैट इज, इसे कहते हैं हाई एनपीएन रेशियो, कि आपका जो नाइट्रोजन रेशियो है डाइट के अंदर वो कम है. आपको बेसिकली एटलीस्ट इतना चाहिए कि आप अगर फॉर एग्जांपल उसको 250 की 4 फीड्स करा रहे हैं तो 1000 कैलोरीज तो दे रही है, 1000 कैलोरीज एक अच्छी अमाउंट है, प्रोटीन सिर्फ 32 ग्राम जा रहा है. तो 32 ग्राम 0.5 बनेगा एक 60 केजी के आदमी के लिए ना. तो एटलीस्ट ऐसी डाइट होनी चाहिए कि जिसमें ऑलरेडी बिल्ट इन प्रोटीन कम से कम 12-14 ग्राम. फिर क्या करते हैं कि हम उस 250 के अंदर एडिशनल प्रोटीन सप्लीमेंट डाल देते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनी अवेलेबल कमर्शियल प्रोडक्ट जैसे बेनी प्रोटीन वगैरह. उससे नुकसान क्या होता है, उसको टॉलरेट क्यों नहीं करता हमारा बॉडी, तो उससे उसकी असरिटी बढ़ जाती है. तो जब आप इंश्योर या ग्लूसरेटा में मेनी प्रोटीन डालते हैं तो आपके अक्सर मरीज अगले दिन कंप्लेन करते हैं कि फूड लूज स्टूल हो रहा है, तो आपको सारी की सारी डाइट रोकनी पड़ती है. तो उसमें फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आप हाफ स्कूप डाल के देख लें, अगले दिन एक स्कूप कर लें, क्योंकि एक स्कूप ऑफ मेनी प्रोटीन बूस्ट जो आता है वो सिंपल मेनी प्रोटीन नहीं आता, उसके एक स्कूप में 11 ग्राम होते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल आप उसको 250 की 4 फीड्स दे रही हैं और उसको 1000 कैलोरीज जा रही है और उसको 32 ग्राम प्रोटीन जा रहा है अगर 8 ग्राम पर डाइट हो, और आपने उसको 2 या 3 स्कूप भी एडिशनल बेनी प्रोटीन ऐड कर दिया बूस्ट, तो आपको कम से कम 11-20-22 कैलोरी ग्राम प्रोटीन और मिल जाए. प्रोटीन के एक सिंपल सर जो है ना वो उसूल है
कि अगर आप नॉर्मल बंदे को जैसे कोई ऐसी कॉन्ट्राइंडेशन नहीं है कि आपको लग रहा है कि यूरिया बढ़ जाएगा, लिवर मसला हो जाएगा, लिवर फेलियर क्यों नहीं चल रहा, उसमें भी अभी रिकमेंडेशन है कि आप प्रोटीन नॉर्मल है, तो आप ये करेंगे कि 70 kg है तो कम से कम 70 ग्राम तो दें, मतलब 1 तो कम से कम दें, और अगर 80 का है तो 80 दें, तो अगर हम एवरेज बंदे की लेते हैं कि वो 70 kg है तो हमें कम से कम 60-70 ग्राम ऑफ प्रोटीन दें, और हमारी कमर्शियली अवेलेबल जो जितने भी डाइट्स हैं उसमें ज़्यादा प्रोटीन नहीं है, वो लो प्रोटीन है, जबकि और हमारे पास लग्जरी भी नहीं, हमारे पास टोटल 4 से 5 कमर्शियल फीड्स अवेलेबल है बिकॉज दे आर सो एक्सपेंसिव। वंस आई वाज इन दुबई फॉर ए न्यूट्रिशन की कॉन्फ्रेंस थी मिडिल ईस्ट की, सो वहाँ आई सॉ के एटलीस्ट मोर देन 40 ब्रांड्स एंड 4 or 5 यानी दे हैव एटलीस्ट मोर देन 100 फॉर्मुलेशन। तो आप सोचे ना, आपके पास इतना सारा ऑप्शन है, आप कोई सा भी ले सकते हैं, और उसमें डिफरेंस भी है, ये नहीं कि सिर्फ नाम लगे, उसमें बाकायदा मॉडरेट प्रोटीन भी है, लो प्रोटीन भी है, हाई प्रोटीन के अंदर भी है, कैलोरीज का भी है। फिर जिसने की बात की, हर किसी को आप पॉलीमेरिक नहीं दे सकते, समटाइम यू नीड एलिमेंटल और सेमी एलिमेंटल। सेमी एलिमेंटल के नाम पे अब तक पाकिस्तान में सिर्फ एक ही फूड आता है, पैटर्न में देर इज नो एलिमेंटल, देर इज नो सेमी एलिमेंटल, और कोई है ही नहीं। तो अगर पैटर्न लाइक इट वॉज 6 months बैक इन शॉर्ट नहीं था, तो हम क्या करते थे, वही हम उन्हीं को दे रहे हैं और टॉलरेट भी नहीं कर। फॉर एग्जाम्पल माई लिवर ट्रांसप्लांट पेशेंट 16 घंटे की सर्जरी के बाद अगले दिन कोई शॉर्ट नहीं टॉलरेट कर सकता। डॉक्टर में नहीं था, लेकिन इंफेक्ट हुआ है, जब ट्रांसप्लांट हुआ था हम जो उसको जो कर रहे थे, एक बॉडी वेट था उसका और एज था उसके, अभी जितनी लिमिटेशन जा रही हैं और कैलोरी पर जो भी हमारा फॉर्मूला था या कोई आइसोटोप था उसकी क्वांटिटी को देख के डेंसिटी को करके दे रहे थे हम फिगर एट द विदाउट ऑफ द पैक्टमेन। अगर पीएच वाटर ऑफ द बॉडी कितना जा रहा है उसकी उसके वाटर को हम कैलकुलेट कर रहे थे जो है और कैलकुलेशन करके फिर हमने जो भी फॉर्मूला जैसे एग्जाम्पल इंश्योर हो गया उसके ऊपर हम जिस तक बात कर रहे हैं पॉलीमेरिक के बाद हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, वी हैव नो एलिमेंट, और उसकी वजह ये है कि देयर इज नो नेशनल कंपनी व्हिच इज मेकिंग दिस प्रोडक्ट, देयर ऑल मल्टीनेशनल, सो उसके हिसाब से फिर जो भी एक्सपोर्ट आएगा फिर कॉस्ट भी बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल रीजनल डाइट आती है और उसकी 237 ml का केन होता है, उसकी प्राइस करीबन 2000 है। आप सोचे एक 250 ml का 237 ml का केन है, तो इसके बाद ओवर सोच तो बहुत एक्सपेंसिव होती है। नेचुरल को प्लायबल बनाना, उसको देना क्रिटिकली पेशेंट को, उसको टॉलरेट करना और उसको रिकग्नाइज करना, दैट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। हमें करना तो फार्मूला से ही होता है, क्योंकि वैसे स्टेबल करने का कुछ भी दे दो ना, बट आई थिंक यू कैन नॉट गिव एवरीथिंग, यू शुड नो एवरीथिंग कि इसकी एक्सपायरी कितनी है, कैलोरीज कितनी है, प्रोटीन कितना है। Oh, that's a very nice question. इसके जवाब ये है कि when I actually chronic है ना, पहले लोगों को बहुत कम पता था कि उस महीने में कोई एक आध RDS आता था, एक आध दिन chrome होता था, या तो ठीक हो जाता था या गलत हो जाता था, तो कोई इतनी केयर नहीं करता था। जब कोविड आया तो ICU में 14 bed 8 to 9 मरीज chrome हुए, अगर आप 8 मरीज को खाना ना खिला सको तो इट वाज लाइक बदरसम, सो इनिशियली नहीं दे रहे थे लोग, लेकिन देयर इज अ लॉट ऑफ डेटा कि क्रोनिंग में स्पेशली क्या कहते हैं, आपने अगर बेड को देखा स्पेशली जहाज को उड़ते हुए देखा तो जो यूं बेड को मोड़ना नहीं है, पेशेंट उल्टा लटका है, बेड को जहाज से करना है एंड 15 to 20 degrees में हो तो आप क्रोनिक में डाइट दे सकते हैं, लेकिन फॉर दैट यू नीड अ वेरी मेटिकुलस नर्स, क्योंकि क्रोनिक में जब आप फीड दे रहे हैं अपने आईसीयू में और आपके मरीज को उससे मसले नहीं हो रहे हैं, तो बिला शुबा आपकी नर्सिंग केयर नेक्स्ट लेवल। तो आपको कोविड में ये प्रॉब्लम फील हो रहा है इंट्यूबेटेड पेशेंट में, देखो जो अनइंट्यूबेटेड है वो तो थोड़ी देर प्रॉब्लम हुए, बाद में जो उनके खाने में प्रॉब्लम है उसमें प्रॉब्लम हुआ था, यू कैन कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, क्रोनिक इज नॉट अ कॉन्ट्राइंडिकेशन, क्रोनिक 16 से 18 घंटे की होती है, सो दीज आर दोस पेशेंट, इन्हीं पेशेंट को तो ये होता है कि आपको 1-2 हजार कुछ देना पड़ेगा, तो 20-30-40 लेते हैं, सो वो आप उस तरह से दे सकते हैं, लेकिन इंश्योरेंस का
designed to be observed kind of. Sir, what about infusion? Because we used to give via infusion when we used to clone the patient. जब cloning में patient होगा तो उसको आप infusion से ही देंगे, continuous infusion नहीं है. और कब से शुरू करेंगे उसमें बढ़ाएंगे. और प्रोन कर प्रोन को जब आपने सीधा करना है तो उससे एक दो घंटे पहले आप डाइट रोक देंगे और फिर उसको सीधा कर लेंगे, फिर एक घंटा ऑब्जर्व करेंगे और फिर ये प्रोनिंग वेरी इंटरेस्टिंग है. इसके बड़ी मजे की अगर आप गूगल की तस्वीर देखेंगे ना, आपने इसको बिल्कुल जहाज की तरह करना होता है और उसका हेड एंड जो है कम से कम 15 से 20 डिग्री को. ये एक्चुअली ये कराने के लिए एक हफ्ता लगा था, क्योंकि हमारे बेड भी ऐसे थे कि सीधे ऊपर नहीं होते थे. तो हमने बायो मेडिकल वालों को बुलाया कि हमें मोड एक्चुअली वो मोड लेते थे तो मोड़ने से कमर ही टूट जाएगी ना मरीज की. उल्टा पड़ा हुआ अगर सीधे पड़े हुए बेड ऊपर हो जाएगा तो हम भी बैठ जाएंगे, लेकिन अगर आप उल्टे लेते हैं बेड पर और बेड पर कोई मोड़ रहा है तो कवर ही टूट जाएगी, फिर बच जाएगा तो वो उसको सीधा ऊपर करेगा. सर आई हैव अ क्वेश्चन. How to decide about pre-pyloric and post-pyloric line? You say पहला टिक हमेशा pre-pyloric से होता है. If patient is not tolerating pre-pyloric, we can switch to post-pyloric. Before pyloric thing is बहुत ऐसा है. Actually the first group जिसमें post-pyloric का फायदा नजर आता है वो few patient pyloric and it is still preferred in few patient. Thank you, thank you all for us. We had one final presentation today, but we cannot go on with it because my patient did not tell about anatomy. So that is, I would like to conclude the session. Thank you so much for coming. We will commence distribution in the morning.